23,33,000 बच्चों ने इस नीट के एग्जाम में अपनी शामिल हुए, वो 23,33,000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। और वो नीट का एग्जाम देने के पहले उन्होंने कोचिंग किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, दिन रात पढ़ाई की, नीट का एग्जाम दिया। पूरे देश में कुल 1,00,000 बच्चे प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर सेलेक्ट होते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। और आपको जान के हैरानी होगी, 67 बच्चों का 720 अंक आ गया। ये एग्जाम में घोटाला क्या है जरा समझ लेना, 67 बच्चे एक साथ टॉप कर गए, यानी कि 720 नंबर 1, 2, 3, 4 बच्चों का नहीं, 67 बच्चों का 720 नंबर आ गया। 67 के 67 बच्चे टॉप कर गए। लोग हैरान हुए, ये कैसे हो सकता है, 67 बच्चों का एक साथ टॉप कैसे कर गए। फिर और जांच हुई तो पता चला एक ही कोचिंग सेंटर के 6 बच्चे जिनको 720 अंक मिला, 6 के 6 टॉप कर गए। फिर और पता चला और जानकारी मिली तो गुजरात की एक लड़की है, उसको फिजिक्स में मिला 1 नंबर। मीडिया वाले भी ध्यान से सुन ले, उस लड़की को मिला, उस छात्रा को मिला फिजिक्स के एग्जाम में 1 नंबर। लेकिन नीट के एग्जाम में जो इतना कठिन एग्जाम होता है, इतनी कठिन परीक्षा होती है, उसमें 720 अंक मिल गया। 720 अंक मिल गया। यह नीट का एग्जाम मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है, यह नीट का एग्जाम मोदी सरकार के पेपर लीक का घोटाला है, यह नीट का एग्जाम शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले एनटीए के अधिकारियों और राज्य सरकारों में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं ज्यादातर, उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए ये नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए।